ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में हिंदुओं को बुधवार को पूजा का अधिकार मिल गया है। वाराणसी की जिला कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया था कि 7 दिनों के अंदर सभी व्यवस्थाएं पूरी करके पूजा शुरू की जाए। अदालत के इस आदेश के बाद ही प्रशासन ने देर रात करीब 12:30 बजे तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और व्यास जी का तहखाना खोलकर करीब 2 बजे तक पूजा पाठ शुरू करवा दिया। इस तहखाने में फिलहाल भगवान शिव समेत 8 देवों की पूजा की जा रही है, जिसका वीडियो भी पहली बार सामने आया है। इस वीडियो में पुजारी आरती करते दिख रहे हैं। इससे पहले रात करीब 12 बजे पंचगव्य से तहखाना शुद्ध किया गया। इसके बाद चोड शोपचार पूजन हुआ। गंगाजल और पंचगव्य से मूर्तियों को स्नान कराया गया। गंगाजल और पंचगव्य से मूर्तियों को स्नान कराने के बाद देवता महागणपति का आह्वान किया गया। फिर सभी विग्रह को चंदन पुष्प अक्षत दीप धूप नवेद चढ़ाकर आरती की गई। व्यास जी के तहखाने में लगभग 1/2 घंटे तक ही पूजन हुआ। व्यास तहखाने में किन देवताओं की पूजा हुई? व्यास तहखाने में विष्णु भगवान, गणेश भगवान की 1-1 प्रतिमा स्थापित की गई, साथ ही हनुमान की 2 और जोशी मठ की भी 2 प्रतिमाएं रखी गई हैं। एक राम नाम लिखा हुआ पत्थर, 1 मकर अखंड ज्योति रखी गई है, जिसकी देर रात व्यास परिवार की ओर से पूजा की गई। रात में ही प्रशासन ने तैयारी कर ली थी। वाराणसी जिला अदालत की ओर से ज्ञानव्यापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने के बाद पुलिस ने देर रात बैरिकेडिंग से रास्ता बनाते हुए व्यास जी का तहखाना खोल दिया। इसके लिए डीएम एस राजलिंगम और पुलिस कमिश्नर अशोक मुत्था जैन समेत बड़े अधिकारी रात भर निगरानी रखे हुए थे। रात 1:50 पर परिसर से बाहर निकले डीएम ने कहा कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वाराणसी अदालत के इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।